हेलो एवरीवन, टिकलेज एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम थेवेनिन थ्योरम ये टॉपिक को स्टडी करेंगे और ये आज थेवेनिन थ्योरम का फर्स्ट लेक्चर है और आज हम उसमें फर्स्ट प्रॉब्लम कवर करेंगे। वैसे इसके पहले ऑलरेडी हमने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के नंबर ऑफ टॉपिक स्टडी किए थे, जैसा सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, ओम्स लॉ के प्रॉब्लम्स, स्टार डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के प्रॉब्लम्स, सुपरपोजिशन थ्योरम्स और उसी के साथ साथ अदर सब्जेक्ट्स के भी नंबर ऑफ टॉपिक स्टडी किए थे। तो अगर आपने इसके पहले के सभी प्रॉब्लम्स और सभी टॉपिक्स अगर नहीं स्टडी किए हैं तो आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वो लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सभी वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमने थेवेनिन थ्योरम का फर्स्ट प्रॉब्लम कवर करना है। तो क्वेश्चन क्या रहेगा उसके लिए, क्वेश्चन रहेगा फाइंड द थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बिटवीन द टर्मिनल्स ए बी फॉर द सर्किट शोन बिलो। तो देखिए डायग्राम आपके सामने है, ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। ये थेवेनिन का फर्स्ट प्रॉब्लम है और इसके लिए हमने क्वेश्चन बताए थे फाइंड द थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बिटवीन द टर्मिनल्स ए बी। अब इसका क्या मतलब है, अब ये थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट क्या होता है और बिटवीन टर्मिनल ए बी वो कैसे ड्रॉ करना वो हम देखते हैं। थेवेनिन का कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान है। थेवेनिन थ्योरम में थेवेनिन का कहना यह है कि कोई भी लीनियर नेटवर्क या कोई भी लीनियर सर्किट में अगर वोल्टेज सोर्स दिया है, करंट सोर्स दिया है, रेजिस्टेंस दिया है, इंडक्टेंस दिया है, कैपेसिटेंस दिया है, तो वो सर्किट को आप सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो वो सर्किट को आप सिंप्लीफाई करके दूसरे सर्किट की तरह शो कर सकते हैं जिसमें वोल्टेज सोर्स और टोटल रेजिस्टेंस सीरीज में रहेगा। इसका क्या अर्थ है, देखिए यहां पे अभी जो हमने कहा था वो ये सर्किट से समझ लेते हैं। यहां पे अगर आप प्रॉपरली चेक करेंगे तो यहां पे एक वोल्टेज सोर्स है और यहां पे नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस है और यहां पे हमने क्वेश्चन बताए थे कि बिटवीन ए बी आपको थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना है। इसका क्या अर्थ है और हमने जो सिंप्लीफाई करने की बात की है इसका क्या अर्थ है वो देखिए, हम ये सर्किट को सॉल्व करेंगे और ये सर्किट को सॉल्व करके एक दूसरे सर्किट में कन्वर्ट करेंगे। दूसरे सर्किट में जो कन्वर्ट करेंगे उसमें सिर्फ दो चीजें रहेंगी, एक रहेगा वोल्टेज और एक रहेगा रेजिस्टेंस और वो वोल्टेज को कहेंगे थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज और वो रेजिस्टेंस को कहेंगे थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो वो कैसे ड्रॉ होगा वो देखिए, थेवेनिन का कहना ये है कि आप कोई भी सर्किट को दूसरे तरह से ड्रॉ कर सकते हैं जिसमें वोल्टेज सोर्स और रेजिस्टेंस सीरीज में रहेंगे, बस इतना ही रहेगा बिटवीन द टर्मिनल ए बी। ये देखिए ये है टोटल रेजिस्टेंस और ये टोटल वोल्टेज, थेवेनिन ने ये वोल्टेज को नाम दिया है VTH, इट मींस थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज और ये रेजिस्टेंस को उसने नाम दिया है RTH, इट मींस थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, ये है VTH और ये है RTH, ये दोनों सीरीज में रहेंगे और इसका प्लस ऊपर माइनस नीचे, इट मींस ये जो सर्किट है ये सर्किट कितना भी बड़ा क्यों ना हो वैसे ये आज हम फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, थेवेनिन थ्योरम का फर्स्ट प्रॉब्लम और ये बहुत ही आसान प्रॉब्लम है। ये बेसिक प्रॉब्लम में से एक है जो कि आज हमारा ये थेवेनिन थ्योरम का फर्स्ट लेक्चर है, इसलिए आज हमने सिर्फ आपके लिए बेसिक प्रॉब्लम लाया है। इसके आने वाले वीडियोस में हम इसके मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम जो रहेंगे जो एग्जाम्स में आते हैं वो हम सॉल्व करेंगे। तो फिलहाल ये जो फर्स्ट प्रॉब्लम है इसमें आप देख सकते हैं वोल्टेज सोर्सेस है, नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस है, तो ये पूरा सर्किट आप ये सर्किट की तरह शो कर सकते हैं जिसमें VTH रहेगा और RTH रहेगा। कोई भी थेवेनिन थ्योरम का प्रॉब्लम सॉल्व करते समय आपको सिर्फ दो चीजें निकालना है, एक VTH निकालना है और एक RTH निकालना है। VTH माने थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज। कुछ अगर आप बुक्स पढ़ेंगे डिफरेंट डिफरेंट तो कुछ बुक्स में VTH लिखा रहेगा या कुछ बुक्स में ETH लिखा रहेगा। देखिए ETH यानी E स्टैंड्स फॉर दैट इज EMF और V स्टैंड्स फॉर दैट इज वोल्टेज, तो ये भी वही है और ये भी वही है। और दूसरी चीज जो हमें सॉल्व करना है वो है RTH। RTH माने थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अभी यहां पे प्रॉब्लम में देखिए ओनली रेजिस्टेंसेस है, ये रेजिस्टेंस 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 रेजिस्टेंस, तो अगर सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंसेस दिए हैं तो RTH कहेंगे, RTH माने थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जिसमें रेजिस्टेंस भी होता है, जिसमें इंडक्टेंस भी होता है, जिसमें कैपेसिटेंस भी होता है, जो हम बता रहे हैं ये देखिए, ये ऐसा RL ऐसा रहेगा, R और L ऐसा रहेगा, या तो R और C ऐसा रहेगा, ये रेजिस्टेंस ये कैपेसिटेंस, या तो R L C ये तीनों रहेंगे, देखिए रेजिस्टेंस ये इंडक्टेंस ये कैपेसिटेंस। तो अगर ऐसे कोई भी ब्रांचेस में अगर RL सर्किट या RC सर्किट या RLC सर्किट है तो ऐसे में जो टोटल निकलता है उसको कहते हैं इंपीडेंस, ऐसे में टोटल इंपीडेंस निकलता है और यहां पे RTH की जगह ZTH लिखते हैं, RTH और यहां पे नंबर ऑफ बुक्स में ZTH लिखा रहेगा। ZTH माने थेवेनिन इक्विवेलेंट इंपीडेंस। अगर इस टाइप का सर्किट है तो टोटल निकालते समय ZTH निकालते हैं और अगर सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंसेस दिए हैं तो टोटल निकालते समय
RTH निकालते हैं। Z इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ RL, RC और RLC, और ये Z का यूज करके कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करना वो हम आगे आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे। तो फाइनली थेवेनिन थ्योरम में दो चीजें निकालनी है, ये आप ध्यान में रखिए। कोई भी थेवेनिन थ्योरम का प्रॉब्लम हो, कितना भी इजी कितना भी डिफिकल्ट आपके सामने हो, आपको हमेशा दो चीजें निकालनी है। पहले निकालना है VTH जो ये है, और दूसरा निकालना है RTH जो ये है। अब ये VTH और RTH कैसे निकालते हैं वो हम देखेंगे। जो भी आप VTH फाइंड आउट कर रहे हैं वो आपको यहां लिखना है, जो भी RTH फाइंड आउट कर रहे हैं वो आपको यहां लिखना है, और बिटवीन AB अगर कोई लोड रेजिस्टेंस दिया है तो वो आपको शो करना है, और अगर बिटवीन AB कुछ भी नहीं दिया है तो आपको कुछ भी शो करने की जरूरत नहीं है। ये पूरा का पूरा सर्किट थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बन जाएगा। तो चलिए फाइनली VTH और RTH फाइंड आउट करना स्टार्ट करते हैं। तो चलो स्टेप वन पहले हम सॉल्व करेंगे। पहले स्टेप में हमें VTH फाइंड आउट करना है, तो स्टेप वन रहेगा कैलकुलेशन ऑफ, हम यहां लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ VTH। आपको सब कुछ सिस्टमेटिक लिखना है। तो VTH इट मींस थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज फाइंड आउट करते समय आपको नया सर्किट ड्रॉ करना पड़ेगा, और सर्किट ड्रॉ करते समय आपको आउटपुट टर्मिनल AB को हमेशा ओपन रखना है, और वो ओपन टर्मिनल्स के अक्रॉस हमेशा VTH निकलता है। तो सर्किट हम ड्रॉ करेंगे, वही सर्किट जो साइड में यहाँ पे मेन प्रॉब्लम में दिया है वही सर्किट हम ड्रॉ करेंगे। लेकिन सर्किट ड्रॉ करते समय आपको हमेशा एक बात ध्यान में रखना है कि VTH आप बिटवीन AB फाइंड आउट करेंगे। VTH माने दैट इज, ये देखिए यहाँ पे हम VTH फाइंड आउट करेंगे बिटवीन ओपन टर्मिनल्स AB, और यहाँ पे रिमेनिंग वैल्यूज हम बिल्कुल एज इट इज लिख देंगे। तो ये देखिए ये हमने सर्किट बना लिए। स्टेप नंबर वन में कैलकुलेशन ऑफ VTH है, जहां पे हमें VTH फाइंड आउट करना है बिटवीन ओपन टर्मिनल्स AB। ये देखिए यहां पे ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम और ये डायग्राम बिल्कुल सेम है, लेकिन यहां पे हमने AB के बीच में VTH लिखा है। VTH फाइंड आउट करना है बिटवीन ओपन टर्मिनल्स AB। ये ओपन टर्मिनल्स कुछ प्रॉब्लम्स में यहां पे AB दिया रहेगा, कुछ प्रॉब्लम्स में XY दिया रहेगा, तो जो दिया रहेगा वो आपको यहां पे लिखना पड़ेगा। तो बिटवीन ओपन टर्मिनल्स AB आपको VTH फाइंड आउट करना है, और VTH फाइंड आउट कैसे करेंगे देखिए, अगर आपको ओपन टर्मिनल AB के अक्रॉस अगर आपको VTH फाइंड आउट करना है तो VTH AB के अक्रॉस निकालना, इट मींस VTH ये ब्रांच के अक्रॉस निकालना। देखिए ये 2 ओम 1 ओम ये जो ब्रांच है, ये ब्रांच के अक्रॉस आपको VTH निकालना है, क्योंकि ये ब्रांच AB को एग्जैक्टली पैरेलल है। तो AB के अक्रॉस VTH निकालना, इट मींस ये ब्रांच के अक्रॉस का वोल्टेज निकालना। तो चलो ये ब्रांच के अक्रॉस का वोल्टेज निकालेंगे, लेकिन ये ब्रांच के अक्रॉस का वोल्टेज फाइंड आउट करने के लिए ये ब्रांच में से फ्लो होने वाला आपको करंट पता होना चाहिए। अगर आपको इसमें से फ्लो होने वाला करंट पता है तो आप आसानी से इसके अक्रॉस का वोल्टेज निकाल सकते हैं। जो इसके अक्रॉस का वोल्टेज रहेगा वही वोल्टेज ओपन टर्मिनल AB के अक्रॉस का वोल्टेज रहेगा, इट मींस VTH रहेगा। तो चलो ये करंट फाइंड आउट करेंगे। तो ये करंट फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको ये ब्रांच में से फ्लो होने वाला करंट फाइंड आउट करना है तो आपको ये लूप में KVL अप्लाई करना पड़ेगा, और ये लूप में KVL अप्लाई करके आपको करंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। और KVL अप्लाई करना बहुत आसान है, इसके पहले हमने ऑलरेडी KVL का वीडियो अपलोड किए थे, आप वो वीडियो देख के KVL कैसे यूज करना वो आप समझ सकते हैं। तो चलिए यहां पे KVL अप्लाई करेंगे। ये जो पहला लूप है, पहले लूप में KVL अप्लाई करो, इट मींस किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करो। तो चलो KVL अप्लाई करने के लिए हम यहां पे लूप करंट ले लेंगे। तो ये हमने लूप करंट ले लिए I1, और हम यहां पे लिखेंगे अप्लाई KVL इन This loop, that is loop one. तो अगर हम ये loop one में अगर KVL apply करेंगे तो ये जो current I1 है, ये current I1 ऐसा हमने clockwise लिया है, और ये current I1 voltage source में, ये देखिए ये जो voltage source है, voltage source में इधर minus से enter कर रहा है, voltage source में minus से enter कर रहा है, तो minus में लिखो voltage का value, that is 20, और remaining सारे resistances plus में रहेंगे, 2 into I1, then 2 into I1, then 1 into I1, तो हम लिखेंगे 2 into I1 plus again 2 into I1 प्लस 1 into I1 इक्वल्स टू 0, तो ये होगा -20 प्लस 5 I1 इक्वल्स टू 0, तो ये हो गया 5 I1 इक्वल्स टू 20, सो I1 इक्वल्स टू 4 एम्पियर। तो फाइनली हमें I1 मिल गया 4 एम्पियर, इट मींस ये लूप में से फ्लो होने वाला करंट मिल गया, इट मींस ये ब्रांच में से फ्लो होने वाला करंट मिल गया, हमें ये ब्रांच से फ्लो होने वाला करंट चाहिए था, तो वो करंट हमने फाइंड आउट कर लिए, दैट इज 4 एम्पियर, और वो फाइंड आउट करने के लिए हमने KVL यूज किए। अगर आपने ओम्स लॉ का यूज किए तो भी वही आंसर आएगा। ओम्स लॉ का यूज करने के लिए आपको करंट इक्वल्स टू I इक्वल्स टू V बाय R, ये फॉर्मूला पता है, तो ये V डिवाइडेड बाय ये R, I इक्वल्स टू V बाय R, ये 20 डिवाइडेड बाय 2 + 2 + 1, तो ये 20/5 हो जाएगा, तो भी 4 एम्पीयर आएगा। तो फिलहाल ये हमने KVL अप्लाई करिए और I1 फाइंड आउट कर लिए, और ये I1 इट मींस ये ब्रांच में से फ्लो होने वाला करंट मिल गया, तो ये ब्रांच में से फ्लो होने वाला करंट I1 है, तो हमने इसको नाम दे दिया I1। और अब हम VTH फाइंड आउट करेंगे। VTH माने थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज बिटवीन टर्मिनल्स AB, तो देयरफॉर हम यहां लिखेंगे VTH इज इक्वल टू करंट I1 इनटू 2 + 1,
तो यहां पे 4 इंटू 3 तो ये हो गया 12 वोल्ट, तो ये हमें मिल गया VTH बिटवीन ओपन टर्मिनल्स AB। तो ये I1 इंटू 2 प्लस 1 कहां से आया, तो हमें ये ब्रांच के अक्रॉस का वोल्टेज फाइंड आउट करना है। तो ये ब्रांच में से फ्लो होने वाला करंट जो कि I1 है, और ये ब्रांच का रेजिस्टेंस, ये ब्रांच का रेजिस्टेंस जहां पे 2 और 1 दोनों सीरीज में है, तो ये दोनों को हमने सीरीज में ऐड कर दिए, तो ये हो गया 3। तो I1 इंटू 3 इट मीन 4 इंटू 3 दैट इज 12 वोल्ट। ये मिल गया VTH दैट इज थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज बिटवीन ओपन टर्मिनल AB। और अब हम स्टेप नंबर 2 की तरफ चलते हैं, स्टेप नंबर 2 जहां पे हमें RTH फाइंड आउट करना है, इट मीन थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो आइए फाइंड आउट करना स्टार्ट करते हैं। तो अब हम स्टेप नंबर 2 की तरफ आते हैं, हम यहां लिखेंगे स्टेप नंबर 2 कैलकुलेशन ऑफ RTH। हमें RTH फाइंड आउट करना है, इट मीन थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। देखिए ये सर्किट हमने ऐसा बना दिए, RTH हम फाइंड आउट कर रहे हैं, RTH माने थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ओपन टर्मिनल AB बाय डीएक्टिवेटिंग ऑल द सोर्सेस। सभी सोर्सेस को डीएक्टिवेट करो और सभी सोर्सेस को डीएक्टिवेट करके बिटवीन AB RTH फाइंड आउट करो। देखो डीएक्टिवेट करना क्या होता है, डीएक्टिवेट करना मतलब वोल्टेज सोर्स को रिप्लेस करना बाय शॉर्ट सर्किट और करंट सोर्स को रिप्लेस करना बाय ओपन सर्किट। यहां जो मेन डायग्राम है उसमें वोल्टेज सोर्स दिया था, हमने वोल्टेज सोर्स को डीएक्टिवेट किए, इट मींस हमने उसको रिप्लेस किए बाय शॉर्ट सर्किट। तो ये देखिए ये यहां पे वोल्टेज सोर्स था तो हमने इसको शॉर्ट सर्किट कर दिए। आप चाहे तो यहां लिख सकते हैं शॉर्ट सर्किट, ये देखिए यहां पे हमने शॉर्ट सर्किट कर दिए ये ब्रांच को, और कहीं वोल्टेज सोर्स करंट सोर्स नहीं है, अगर और भी कहीं अगर होता तो उसको भी हमने डीएक्टिवेट किए होते, फिलहाल सिर्फ एक ही वोल्टेज सोर्स था तो हमने उसको शॉर्ट कर दिए और रिमेनिंग सर्किट एज इट इज है। और अब हम बिटवीन AB RTH इट मींस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, इट मींस हमें टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, और ये फाइंड आउट करना बहुत आसान है। हमें यहां टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन का यूज करना है। देखिए 2 ओम और ये 3 ओम ये दोनों पैरेलल में है, यहां पे ये दोनों का हो गया 3 ओम और ये 2 ओम, 3 और 2 दोनों पैरेलल में है, तो इन दोनों को पैरेलली सॉल्व करो, देन ये 2 के साथ सीरीज में करो। तो ये देखिए हम क्या लिखेंगे, 2 ओम इज पैरेलल टू 3 ओम और ये पूरा कॉम्बिनेशन 2 के साथ सीरीज में है, तो हम लिखेंगे 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 और प्लस 2, तो ये होगा 1.2 प्लस 2 दैट इज 3.2 ओम। तो ये मिल गया हमें RTH इट मींस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दैट इज थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ओपन टर्मिनल्स AB बाय डीएक्टिवेटिंग ऑल द सोर्सेस। 2 ओम इज पैरेलल टू 3 ओम और बाद में ये दोनों को पैरेलल करने के बाद जो इसका पूरा कॉम्बिनेशन है वो ये 2 ओम के साथ सीरीज में आएगा, इसलिए हमने उसको प्लस 2 यहां पे कर दिए और यहां पे इसको सॉल्व कर दिए तो 3.2 ओम। तो यहां पे हमने सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन का यूज करके थेवेनिन रेजिस्टेंस निकाल लिए हैं। अगर आपको सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं आता है तो आप इसके पहले के वीडियोस हमारे देख सकते हैं जिसमें हमने सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, ओम्स लॉ के प्रॉब्लम्स और स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन वो भी हमने बताए थे। आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वो लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सीरीज पैरेलल, स्टार डेल्टा, सुपरपोजिशन थ्योरम सभी टाइप के वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए फाइनली हमने दो चीजें निकाल लिए हैं, सबसे पहले हमें VTH निकालना था, तो ये देखिए हमने VTH निकाल लिए हैं जो कि है 12 वोल्ट, और हमने RTH निकालना था वो भी हमने निकाल लिए 3.2 ओम, और अब ये दोनों को सीरीज में लगा के आप थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट कंप्लीट करो। तो चलो वो हम कंप्लीट करेंगे, तो यहां पे हम लिखेंगे, इधर जगह है तो हम यहां लिखेंगे थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट हम यहां बनाएंगे। जो कुछ भी आपने फाइंड आउट किए हैं बस आपको वो यहां पे शो करना है, बाकी आपको एक्स्ट्रा कुछ भी शो नहीं करना है। इधर आप AB शो करो, यहां पे RTH जो आपने फाइंड आउट किए वो आप यहां लिखेंगे 3.2, आप यहां लिखेंगे RTH, एक मिनट हम ये लिख देंगे RTH इक्वल्स टू 3.2 ओम, और जो VTH आपने निकाले हैं वो आप यहां लिखेंगे VTH जो कि है दैट इज 12 वोल्ट। तो देखिए ये है थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट जो हमें चाहिए था, क्वेश्चन में लिखा था ड्रॉ द थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बिटवीन द टर्मिनल्स AB, तो ये देखिए बिटवीन ओपन टर्मिनल AB हमने ये थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर लिए जिसमें हमने VTH और RTH ये दोनों को सीरीज में लगा के दोनों का वैल्यू यहां पे लिख दिए और ये प्रॉब्लम यहां पे कंप्लीट हो गया। यहां बिटवीन AB कोई भी टाइप का यहां पे लोड रेजिस्टेंस नहीं दिया है, कभी कभी कुछ कुछ प्रॉब्लम्स में यहां बिटवीन AB लोड रेजिस्टेंस दिया रहता है और उसमें से फ्लो होने वाला करंट फाइंड आउट करना होता है या वोल्टेज फाइंड आउट करना होता है उसके अक्रॉस का, तो उसके भी प्रॉब्लम्स हम आने वाले वीडियोज में लेंगे।
तो फाइनली इस तरह से ये थेवेनिन थ्योरम का फर्स्ट प्रॉब्लम हमने कंप्लीट कर लिया, जिसमें इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना था बिटवीन ए बी, तो वो यहां पे कंप्लीट हो गया। इसके आने वाले वीडियोस में इसके नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स हमें सॉल्व करना है जो यूनिवर्सिटी एग्जाम में नंबर ऑफ टाइम्स आ चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो आप इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स जिनको इसकी जरूरत है आप उनके साथ इसको शेयर करिए, कुछ डाउट्स है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आपने अगर अभी भी अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके साइड में जो बेल आइकॉन है उसको भी आप प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।